नमस्कार, आप देख रहे हैं राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केगड़ी में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को भारी मतों से जिताकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए ताकि केगड़ी का विकास अनवरत जारी रहे। उन्होंने भाजपा पर बरसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरबीन से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब की बार जनता ने कांग्रेस को रिपीट करने का मन बना लिया है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आ रही है, इसलिए आप पंडित रघु शर्मा को भारी मतों से जिताकर भेजें। प्रियंका गांधी के मंच पर पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा ने राजस्थानी परंपरा अनुसार चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के साथ 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। जनसभा के दौरान सचिन पायलट आई लव यू के नारों से गूंज उठा। जनसभा के दौरान पटेल मैदान पर विशाल भीड़ देखकर सभी नेता गदगद नजर आए। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को नजदीक से देखने और सुनने के लिए लोगों की हेलीपैड और सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कांग्रेस द्वारा हेलीपैड से पटेल मैदान तक रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां 151 जेसीबी मशीन से प्रियंका गांधी और सचिन पायलट पर पुष्पवर्षा की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को राजस्थान से उखाड़ फेंके और कांग्रेस सरकार को वापस रिपीट करे ताकि विकास की गति अनवरत जारी रह सके। प्रियंका गांधी ने केगड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहार पर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से पहले घर की साफ सफाई की जाती है, इस तरह राजस्थान से भाजपा की सफाई करें। उन्होंने कहा कि गत दिनों केकड़ी में योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन यूपी में जंगल राज है जिसके चलते आम आदमी को वाहनों से कुचला जाता है। किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनके आंदोलन को दबाया जाता है। गांधी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा पूरी तरह से बिखरी हुई है, जिसको चलते धर्म जाति के नाम पर वोट मांग रही है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को पहलवान की उपाधि देते हुए कहा कि शर्मा पहलवान की तरह केकड़ी क्षेत्र का विकास करवा रहे हैं, इसलिए दोबारा जिताकर विधानसभा भेजे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर बरसते हुए कहा कि भाजपा ने राजस्थान में कुछ नहीं किया है, इसलिए विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस वाले पंडित जी को जिताकर विधानसभा भेजे ताकि केकड़ी क्षेत्र का विकास लगातार जारी रहे। पायलट ने कहा कि डॉक्टर रघु शर्मा अच्छे जनसेवक है और अपने मन से आपकी सेवा कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि केकड़ी जिला बन गया, केकड़ी में जिला स्तरीय अस्पताल बन गया। अब बारी मतदाताओं की है कि दोबारा कांग्रेस को जिताए ताकि विकास का पहिया अनवरत जारी रहे। पायलट ने कहा कि 36 कौम कांग्रेस के साथ है, इसलिए केकड़ी में कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीत रही है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट केकड़ी महाविद्यालय में बनाए गए एसआई हेलीपैड पर उतरे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा, पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद पायलट ने स्थानीय नेताओं के साथ अल्पाहार किया। पायलट और स्थानीय नेताओं ने प्रियंका गांधी का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर केकड़ी पहुंचा, जहां सभी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने 151 जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के मंच पर पहुंचने पर कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह, सरवार नगरपालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौर, कांग्रेस नेता शक्ति प्रताप सिंह, नगरपालिका उपाध्यक्ष आरिफ नैब, नगरपालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम लाल बैरवा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेणु गुर्जर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू बच, कांग्रेस नेता धर्मीचंद न्याती, जसराज जाट, रतन पवार ने स्वागत किया।
अभी दिवाली हुई तो त्योहार के समय हम सब क्या करते हैं, क्या करते हैं त्योहार के समय? सफाई करते हैं, त्योहार के समय घर को साफ करते हैं, अच्छे अच्छा खाने का की चीजें बनाते हैं, मेहमान आते हैं हमारे घर तो पूजा पाठ करते हैं हम, तो ये त्योहार का समय हम के समय में हम करते हैं। और जब कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं, खेती में जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, कटाई करते हैं। तो चुनाव का समय आता है तो हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमें? सफाई। देखिए चुनाव का समय होता है तो एक चीज तो आप कर ही रहे हैं, ऐसी सभाओं में जाते हैं हम और बड़े बड़े नेता आते हैं अलग अलग पार्टियों की, उनकी बातें सुनते हैं, फिर उन बातों का हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इन बातों में वजन है कि नहीं है, लगाते हैं कि नहीं। फिर हमें अपना अनुभव देखना चाहिए कि चुनाव का समय है, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या होगा हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में 5 सालों से क्या चल रहा है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमारा अनुभव क्या है, क्या हमारी तरक्की हुई है, क्या जो सरकार हमारी जो चल रही है उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं कि नहीं, इसका हम आकलन करते हैं। और हम जब ऐसी सभाओं में आप लोग आते हैं तो एक बात बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से हमारी बातें सुने, चाहे हम हो चाहे भाजपा के नेता हो, ध्यान से हमारी बातें सुने और कोशिश करें इसका अनुमान लगाने का कि इन बातों में कुछ वजन है कि नहीं है, है कि नहीं। तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान, मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रनआउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है, हमारे सारे नेता हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनके रणभूमि में उतरे हुए हैं, बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए, इनकी स्थिति क्या है, बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले, तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है, कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है, इनके नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उनको इन्होंने परे कर दिया है, किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम, बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया उन्होंने। तो बात यह है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं। आपके सामने अभी सचिन जी ने कहा कि भाजपा के जो ज्यादातर नेता आते हैं वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है, तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता। क्योंकि जो असली नेता होता है जिसने आपके लिए काम किया, जैसे रघु शर्मा जी ने आपके लिए काम किया, हमारी सरकार ने यहाँ पे आपके लिए काम किया, तो हम काम के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं या आपसे समर्थन मांगते हैं। अब एक तरफ भाजपा के नेता जो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जब चुनाव के लिए आते हैं, मैं मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है और 18 सालों से इनकी सरकार है लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते जब मंच पे खड़े होते हैं, वहां पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट। तो 18 साल से आपकी सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? मैं बताती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं गहलोत जी के साथ चुनाव प्रचार में निकली थी, तो मैंने गहलोत जी से पूछा आपने यहाँ राजस्थान में अपनी सरकार में कितने रोजगार दिलवाए हैं। गहलोत जी ने कहा कि देखिए 2 लाख रोजगार तो दिलवा दिए हैं हमने,
और 1 लाख और की हमने घोषणा की है, जिसमें से 40,000 प्रोसेस में है। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ हमारी 5 सालों से सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आपको 2 लाख रोजगार दिलवाए हैं। 18 सालों से बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, 18 सालों से। 3.5 सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं, यहाँ 5 सालों में 2 लाख, वहाँ 3.5 सालों में 21, सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहाँ पाठशालाएं खोली हैं, इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं। मैंने पूछा वहाँ मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है, पाठशालाएं बंद हो रही हैं, 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। यहाँ पे केकड़ी में आपके लिए नया जिला बनाया गया, यहाँ पे 400 बेड का अस्पताल बनाया गया। जब कोरोना हुआ तो काफी जान इन चीजों से बची। 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, जो आपकी सेवा की, उसी के आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आपकी सरकार है, अगर हम देखें तो चाहे हमारी यहाँ की सरकार को देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, पूछिए जरा किसी प्रदेश में भाजपा ने किसान का कर्ज माफ किया है? नहीं। आपने काले कानून की बात की, जब काले कानून के खिलाफ देश का सारा किसान आंदोलन कर रहा था, तब ये क्या कर रहे थे? इनके मंत्री के बेटे किसानों को अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल रहे थे उत्तर प्रदेश में, और वही मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा रहता था। जब वो काले कानून आए तब किसान की कोई सुनवाई हुई? 1 साल होने वाला था, किसान सड़क पे बैठा रहा, सैकड़ों किसान शहीद हुए, पानी नहीं था, बिजली भी नहीं थी उस समय, सड़क पे ही बैठे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तब हुई, काले कानून वापस तब लिए गए भाजपा द्वारा, जब 2 महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ रहा था। चुनाव आने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जब कहते हैं प्रदेशों में कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों के, तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते पैसे नहीं है इन चीजों को करने के लिए। जिस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के किसान का 15,000 करोड़ का बकाया था, गन्ने का 15,000 करोड़ का बकाया था। उसके थोड़े ही बाद मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे, दिल्ली का जो संसद भवन है उसको सुंदर बनाना है। तो हम उस समय पूछ रहे थे कि जो 15,000 करोड़ का जो बकाया है गन्ने का, ये क्यों नहीं दे रहे हो? कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन संसद को जो 70 साल से अच्छा खासा चले आ रहा था संसद भवन, उसको सुंदर करने के लिए आपके पास 20,000 करोड़ है। क्यों? क्योंकि उसको करने से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और किसानों की कोई परवाह ही नहीं है आपको। 2000 यूनिट यहाँ पे आपको बिजली की फ्री में मिली है, सिंचाई का बिल माफ, मीटर की तार बंदी की। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, यही समस्या वहाँ थी, तो सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया, क्योंकि ये सोच थी कि अगर हम गोबर खरीदना शुरू करें तो लोग इस जानवरों को अपने घर में रख लेंगे, पाल लेंगे, क्योंकि उससे कमा लेंगे। तो बहुत उनकी सुविधा हुई, जो आवारा पशु घूम रहा था उसको लोगों ने रख लिया घर में, और सरकार ने गोबर खरीदी, गोबर का गोबर गैस बनाया, अन्य चीजें की, तो सबका फायदा हो गया। इसी तरह से हमारी सरकार यहाँ कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम भी गोबर खरीदना शुरू करेंगे यहाँ पे, ताकि राजस्थान में भी ये समस्या हल हो सके। और ये लंपी की जो बीमारी आई थी, इस समय भी 40,000 प्रति गाय का मुआवजा मिला था आपको। अन्य जगह जहाँ इनके प्रदेश हैं वहाँ पे इस तरह के काम नहीं होते, हम खुद देखते आ रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, बातों का वजन समझो। ये जब कहते हैं कि आपके लिए करेंगे, इनसे पूछिए ना किया क्या है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार चली आ रही है,
वहाँ पे स्कूल बंद हो गए हैं, वहाँ पे आवारा पशु की समस्या इतनी खराब हो गई है कि पूरी रात पूरे दिन पहरेदारी करनी पड़ती है खेतों की किसानों को, किसी ने सुनवाई ही नहीं की, किसी तरफ से इनकी सुनवाई नहीं है। इनकी जो है सोच जो है ना भाजपा की सरकारों की, आपको समझना पड़ेगा आज इनकी सोच, इनकी जो विचारधारा है, ये इनके इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए कोई सोच नहीं है। आपसे सींचना और बड़े बड़े आपसे खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना, ये उनकी नीति है। अब कैसे मालूम पड़ता है, कैसे मालूम पड़ता है? आपके कर्ज माफ करने के लिए कहते हैं कि सालों के लिए हर महीने आप हमारा पैसा काटते हैं पेंशन के लिए, हमारी मेहनत हमारी कमाई आप हर महीने काटते हैं, 20 सालों के बाद हमें सुरक्षा चाहिए, जैसे पहले हमारे हमें पेंशन के पैसे हमें दिए जाते थे उसी तरह से दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, पेंशन के पैसे इकट्ठे करके उनका निवेश कर देते हैं। अब सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि भाई ये मेरे पैसे हैं, मेरी 20 साल की कमाई है जो आपने हर महीने काटी, आप इसका निवेश कहीं गलत जगह कर लिए और ये पैसे आप गवा दें तो मेरा क्या होगा, मेरी कमाई का क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों का की कोई सुनवाई नहीं है। इनके हर प्रदेश में नई पेंशन स्कीम चल रही है, कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है, राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, हर जगह, कर्नाटका में, हर जगह पुरानी पेंशन की स्कीम। हम नहीं कह रहे कि पैसे नहीं है, हम कह रहे हैं हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे इसके लिए, हम कह रहे हैं हमें कर्ज माफ करना है, हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे। अब इनकी सोच देखिए, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे आपकी सरकार ने बहुत किया है। सबसे पहले तो आपके लिए महंगाई की राहत कैंप बनाए। अब सोचिए कि ये नौबत आ गई है कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकार को राहत के कैंप लगवाने पड़ रहे हैं। सिलेंडर आपको 500 में मिल रहा है, 1 करोड़ लोगों को बिजली बिल की बिल जो शून्य हो गई, इंदिरा रसोई बनाई गई, 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलता है, 40 लाख मोबाइल दिए गए महिलाओं को, छात्राओं को स्कूटी देने का काम शुरू हुआ है, केजी और केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा महिलाओं के लिए, सरकारी बसों में आधा किराया, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए, 12वीं पास होने पर 20,000 रुपए। अब हम इसकी तुलना करते हैं भाजपा के प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। 18 सालों के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, 18 सालों के लिए कुछ नहीं किया। आप चुनाव आ रहा गांधी की, सबको बोला कि भाई कतार में खड़े हो जाओ, देशभक्ति की बात है, आप लोग खड़े हो गए, हुए कि नहीं? अंत में क्या हुआ, कोई काला धन वापस नहीं आया। अंत में नुकसान तो छोटे कारोबारों का हुआ, छोटे बिजनेस वालों का, छोटे दुकानदारों का हुआ। नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में आपको कोई राहत नहीं दी। केंद्र सरकार का काम होता है कि राहत दे, जब आपदा आती है, जब इस तरह की महामारी आती है तो जनता की मदद करे, सहायता करे, नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मदद करने के बजाय GST थोप दी। अब GST से आपकी आपकी मतलब पैरों पे आपकी कुल्हाड़ी मारी, हर तरफ से आपको नुकसान होता है और ऊपर से आप कमा नहीं पा रहे, ऊपर से महंगाई बढ़ती चली जाती है, हर चीज पे GST है। तो आप हर स्तर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और जहां जहां इनकी प्रदेश की सरकारें हैं वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप है, शिक्षा की सुविधाएं ठप है, आपके लिए किसानों के लिए जो सुविधाएं वो खत्म है। तो आपके सामने एक दो राहें हैं, आप इधर खड़े हैं, एक तरफ आप BJP को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की नीतियां आपके प्रदेश में लागू होंगी, किस तरह के जो जितने भी अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है आपके लिए वो सारे बंद हो जाएंगे। ये पुरानी पेंशन की स्कीम, ये किसानों का कर्ज माफ होना,
ये बिजली की बिल जो फ्री है ये सब बंद हो जाएगा। ये कुछ भी कहें, कैसी भी घोषणाएं करें, मध्य प्रदेश में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। 22,000 घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कि खुद इनको याद नहीं होगी। 22,000 घोषणाएं की, 22 तक इन्होंने पूरी नहीं की है। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य में भी आपके लिए काम हुए, अस्पताल खुले, चिरंजीवी योजना आई। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ यहाँ आते वक्त जिनका हार्ट का पूरी सर्जरी सरकार के द्वारा हो गई। मुझे कहा कि दीदी एक भी पैसा नहीं भरना पड़ा। एक लड़का था, उसे कैंसर था, छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी ने मुझे बताया कि जितनी भी दवा थी सब सरकार द्वारा हो गई। ये जो चिरंजीवी योजना है, आपको इसमें 25 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं भाजपा के प्रदेशों में नहीं है भाई और बहनों। युवाओं के लिए मैंने पहले कहा ही कि 2 लाख से अधिक नौकरियां बनी हैं और 1 लाख की घोषणा हो गई है, जिसमें से 40,000 अभी प्रोसेस में है, इनकी प्रक्रिया शुरू है। हमने एक कानून बनाया है। हम समझते हैं आपकी पीड़ा क्या है कि आप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बच्चे पेपर भर्ती की परीक्षा करते हैं, उसमें पेपर लीक कर लेता है कोई या कोई घोटाला हो जाता है। हम समझते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करा देते हो, फीस भरने के लिए खूब मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, और फिर भी उसमें पेपर लीक हो जाए तो इसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत नुकसान होता है नौजवानों का। तो इसलिए हमने यहाँ कानून लागू करना है जिसमें जब पेपर लीक होता है, जो पेपर पेपर लीक करता है उसको पूरे जीवन की सजा मिलेगी अगर उसको पकड़ा जाएगा तो। ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया है। यहाँ पानी की भी सुविधा लाखों परिवारों को मिली। आप मध्य प्रदेश जाइए, इनके अलग अलग प्रदेशों में जाइए, बड़ी बड़ी बातें हैं, इश्तिहार तो बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे, नेता बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन धरातल आप ये काम नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि जैसे मैं कह रही थी, आप तो राय पे खड़े हैं, एक तरफ भाजपा की नीतियाँ, एक तरफ कांग्रेस की नीतियाँ। वो आपसे आपकी संपत्ति ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है। हम किसानों के कर्ज माफ करने के जरिए हो, या फ्री में बिजली दिलवाने की, या फ्री में शिक्षा दिलवाने की, या फिर आपको रोजगार दिलवाने की, ये सब बातें जो है ये एक अलग तरीके की राजनीति है। ये राजनीति ऐसी है जो ग्राम को, गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है, आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है। इसलिए जो हम अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे, वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं। एक तो ये जो OPS है, पुरानी पेंशन की स्कीम, इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे, मतलब कानूनी गारंटी होगी। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिलवाया जाएगा, जो परिवार की महिला मुखिया होती है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई है आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए, आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की, मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है?
गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती, ये मोदी जी की सरकार भाजपा की जो है दिल्ली में ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है, ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं, इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें, इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ़ किए, ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इन परिस्थितियों को ऐसे रखना चाहते हैं कि आपको राहत मिलते जाए, आपको की सहायता होती जाए। आज अगर आप सरकार बदलेंगे और आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि 10 सालों में अगर आप समझदारी से और विवेक से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि देश का जो आज जो काम चल रहा है उसको रोकिए, आज जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें रोकिए। अगर आप भाजपा में इस बार अपना वोट डालेंगे भाजपा के लिए और अपना विश्वास उनमें डालेंगे तो आपके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ। आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बड़ी लंबी बातें की है मैंने, लेकिन मेरी आशा है कि आपने ध्यान से सुनी है बातें और इनके आधार पर आप वोट डालोगे। अगर आप सोच समझ के अपना वोट डालोगे तो आपका वोट कांग्रेस को ही जाएगा इस चुनाव में। भाजपा को जिता के गलती मत करिए, इनको वैसे भी मालूम है कि हारने वाले हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहां जहां पोलिंग हुई है वहां वहां दावे के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने काम करके दिखाया है, कांग्रेस ने दिन रात आपके लिए एक करके दिखाया है। गहलोत जी का कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओ, मैं देते देते नहीं थकूंगा। हम करना चाहते हैं आपके लिए। रघु शर्मा जी को आप जानते ही हैं, मुझे नहीं मालूम था कि पहलवान थे। तो इनको भारी बहुमत से जिताओ, आपके लिए लड़ेंगे। मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने हमारी नेता की बात ध्यान से सुनी है और 25 तारीख को आपका फैसला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, हमारे बच्चों, मैं सबसे पहले प्रियंका गांधी जी का केकड़ी में पहली बार आना हुआ है। मैं चाहता हूँ सब लोग जोरदार तालियां बजा के प्रियंका जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। मैं यही आप स्वागत ढंग से कर रहे हो, प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कांग्रेस सरकार ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया,
रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, आदिवासियों को संरक्षण दिया। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को, ओबीसी को, एससी एसटी को आरक्षण दिया ग्राम पंचायत के अंदर। ये कानून हमारी सरकार ने बनाए और भाजपा ने क्या कानून बनाए? तीन काले कानून किसान के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी और अमीर गरीब की खाई को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश की संपूर्ण संपत्ति, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदाम, बिजली घर औने पौने दाम में 2-5 लोगों को दे रहे हैं। आप सबको सचेत होना पड़ेगा, ये चुनाव राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान में हम लोगों ने जो काम किया आपके सामने और रघु जी ने जो काम किया आपके सामने, और मैं दावे से कह सकता हूं, मैं इस केकड़ी को जानता हूं, यहां जो विकास हुआ है पिछले 5 साल में, मेरे ख्याल पिछले 70 साल में इतना विकास कभी नहीं हुआ होगा। ये बात हमारे मोदी भी कहते हैं। और अब आप सब जो पुराने लोग हो, आप सब रघु जी को अच्छी तरह जानते हो। रघु जी भी पुराने कबड्डी कुश्ती वाले खिलाड़ी हैं, नया तो है। यूथ कांग्रेस, फिर कहाँ चुनाव लड़े, क्या रहा, आप सब इतिहास जानते हो। फिर केकड़ी को लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपने विधायक बनाया। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ एक बात, प्रियंका जी, 2016-17 में यहाँ बाय इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ लोकसभा का। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और मैंने रघु जी को कहा, हम सबका नेताओं का मन था, रघु जी आप चुनाव लड़ो बाय इलेक्शन। अब असली बात तो ये है कि रघु जी ने कहा, मैं कहाँ पछड़े बसूंगा, लड़ूंगा, फालतू में सरकार है। तो ये आधे मन से थे। मैंने कहा, रघु जी आप चुनाव लड़ो, हम सब साथ रहेंगे, चुनाव जिताएंगे। उस समय पूर्ण बहुमत के साथ 163 विधायक वसुंधरा जी के थे बीजेपी के, राजस्थान 163, 25 के 25 सांसद बीजेपी के थे, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार। तो रघु जी तो समझदार आदमी है, उन्होंने कहा कौन पंगा लेगा लोकसभा चुनाव लड़ने का बाय इलेक्शन। लेकिन मैंने कहा, कार्यकर्ता सब चाहते कि आप चुनाव लड़ें। और वो दिन था, मुझे याद है, रघु जी राम आए थे यहाँ नामांकन भरने के लिए, और उसी में रघु जी को कहा था, मैंने कहा यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और वही हुआ, हम 8 सीटों पर जीते, रघु शर्मा के सांसद बनकर गए। और उसके बाद तो पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। सांसद बने, मंत्री बने, गुजरात के प्रभारी बने, लेकिन सबसे पहले ये आपके सेवक हैं और रहेंगे। इसलिए आज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं, और सुनो साथियों, ये जाति बिरादरी, और मैं जानता हूँ केकड़ी में हम सर समाज के लोग रहते हैं, हम सबको एकजुटता दिखानी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जहाँ वोट पड़ गए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और राजस्थान में भी 25 तारीख को मतदान होगा। ये हाथ का निशान हमारी पार्टी की पहचान है, आप लोग बटन दबाकर जिताओ, और रघु जी पहले से ज्यादा आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ केकड़ी के लोगों को। हम सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना आग्रह, जब 25 तारीख को मतदान होगा, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में होऊंगा, आप सब लोग वोट डाल रहे होंगे, और जब बटन दबाते हैं मशीन में, तो आवाज करता ना वो, क्या टी करके बोलती मशीन, बोलती कि नहीं बोलती, 2 नंबर का बटन, लेकिन बटन आवाज निकलती है उसमें से, क्या आवाज निकलती है, टी करके। अब ऐसा है, 25 तारीख को पंडित जी का, इस वाले पंडित जी का, रघु शर्मा जी का बटन दबाना, और इतनी जोर से दबाना कि मुझे टोंक में वो टी की आवाज सुनाई पड़े। मैं आप सबसे बड़े निवेदन करते हुए कि कांग्रेस पार्टी को जिताना, और सुनो, ये जीत मोटी करनी है, अच्छी खासी जीत होगी, हम सबको ताकत मिलेगी, और हम मिलकर आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, सरकार बनाएंगे। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय निकालकर आपके बीच में आई है। और तमाम जनता जो बैठी है, आपका मैं हमेशा कायल रहूंगा, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, आप लोग फलो फूलो हंसो, जैसे आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराते रहो, भगवान आपके जीवन में खुशियां भरे। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो, राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेगा। 25 तारीख भविष्य हमारे प्रदेश की दिशा और दशा आपको तय करनी है। हमारे नौजवान, हमारे किसान किस हालात में अगला 5 साल काटेंगे, उसका निर्णय आप लोगों को करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है साथियों, कि हमने 10 साल में केंद्र की भाजपा की सरकार को देख लिया, और आप लोग भी वो कसर नहीं छोड़ते, जब दे दो छप्पर फाड़ के देते हो,
दो दो बार आपने भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई और 10 साल से वो सरकार दिल्ली में है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसान, नौजवान, महिला, ऐसा नीति निर्माण इन्होंने किया है। हर व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, किसान वर्ग आज परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है। इनकी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है। लेकिन जैसा वो मुझे बता रहे थे, जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और लगातार राजस्थान के बाहर के आके यहाँ पे अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है। सब्जी, फल, फूल, टमाटर, तेल, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है? तो बोलते हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते फौज में भर्ती खत्म कर दी। हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया, नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए? तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। इन सब लोगों को मजहब, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा चौथी बात कोई आती नहीं। हमारी पार्टी आज आप जानते हो केकड़ी में ये हमारा चैन की धरती है, सांप्रदायिक सौहार्द की धरती है, भाईचारे की धरती है। यहाँ हमने प्यार और भाईचारा कायम रखा, इसीलिए आज ये जिला बना है। आज विकास के लिए प्रधानमंत्री छुए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा और मैं सचिव सचिन पहले दो नंबर का बटन दबाना है। टिकड़ी में विकास के दरिया आया, विस्थापित कर 2000 से 2013 टिकड़ी के विकास को एक उसी का परिणाम है। जोड़ों की रावत यात्रा लाया है इसीलिए भारत।